ऐसे तो ये प्यार नहीं हो रहा जी, खर्चा फर्क है पूरा। ठीक मगर लगता पैसे कोई जरूरी को नहीं भाई, लाखों रुपये इसके कोई जरूरी को, लाख रुपये जेब में तो आपने कोई शांति नहीं है, आपने खतरा है, ठीक है जी, ठीक है मारने का खतरा है। ठीक है जी। और इसके पास आओगे तो पूरी शांति मिलेगी, इसके साथ बच्चा की तरह खेलोगे तो आपको बहुत शांत हो। हर जीव के ऊपर दया है तो भक्ति है, अगर दया नहीं है तो कितना तप कर लो ठीक है कोई जी, भक्ति नहीं है जी। ठीक। जय गो माता, जय गोपाल। दोस्तों, मैं राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संस्कार हरियाणा में। तो आज आपको एक अनमोल रत्न दिखाया जाएगा, एक बेहतरीन ब्रीडिंग दिखाई जाएगी, जो कि बहुत बड़े बड़े ब्रीडर के पास भी बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसी ब्रीडिंग आपको दिखाई जाएगी और मैं समा भी चाहूँगा कि पिछले काफ़ी दिनों से आपको वीडियो नहीं देखने को मिल रही और गौ माता के दर्शन नहीं हो रहे, तो इसका भी मैं कारण आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हम गौ माता की सेवा में लीन रहते हैं, गौ रक्षा में लीन रहते हैं, तो इसी के चलते हम दिन रात गौ माता की सेवा में लगे रहते हैं। गौ माता की सेवा में ही नहीं, हम अन्य जीवों की सेवा भी करते हैं, अन्य जीवों की रक्षा करने की कोशिश भी करते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, दिन रात इन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं, तो इसी कारण आपको वीडियो कम देखने को मिल रही है। मैं वीडियो कम करने की कोशिश करता, कवर करने की कम कोशिश करता हूँ, लेकिन जीवों की रक्षा करना हमारा परम धर्म है, गौ माता की सेवा करना हमारा परम धर्म है। हम सेवा वीडियो के माध्यम से सेवा भी नहीं दिखाना चाहते। तो यहाँ पर त्रिवेणी नाथ बाबा जी को देख सकते हैं, और ये सुंदरी नाम की जो गौ माता है, दीपक भाई साहब ने त्रिवेणी नाथ बाबा जी को दी थी, और यहाँ पर ये ब्रीडिंग देख सकते हो। चलिए बाबा जी से बात करते हुए और पूछते हैं कैसे ब्रीडिंग होती है। जय गौ माता की जी। तो ये से बच्चे की बताइए, डिटेल बताइए, कितने दिन का हो चुका है ये? जी 6 महीने का हो गया है जी। अच्छा जी, हाँ 6 महीने का हो गया। अच्छा जी, तो ये रामू बुल का है? हाँ जी, रामू बुल का। सर से डेरे से मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सीमन हमने ही प्रोवाइड करवाया था रामू बुल का, सर से डेरे से जो रामू बुल है उसका ये देख सकते हो रिजल्ट यहाँ पर है, जो कि बेहतरीन करेक्टर के साथ है। कुकुंद देख सकते हो, उभरता हुआ कुकुंद, और चेहरे मोरे की बनावट किसी भी एंगल से अगर मैं बात करूँ तो एक नंबर की ब्रीडिंग यहाँ पर की गई है। तो बाबा जी कितने दिन का हो चुका है ये? जी दूसरा महीना में गई थी, 6 महीने का मानो हो गया ये। अच्छा जी, हाँ जी दूसरा महीना गई है। अच्छा जी, 6 महीने का हो चुका है। हाँ जी 6 महीने का हो चुका है। ठीक है जी, तो इतनी अच्छी ब्रीडिंग करते हो आप, क्या कुछ खिलाते हो उसको? ये जी दूध दूध पी है आपकी माँ का, और खुला चरे है। अच्छा जी, अच्छा जी, हाँ जी खुला चरे है, और हरा परिया जो खाना है। अच्छा जी, आपकी माँ का दूध पिया जी मैंने, इतना काटा को नहीं चुना है। ठीक है जी, ठीक है। इसकी माँ का कितना दूध है? दूध 8 किलो था जी इसके। 8 लीटर दूध है ये, आप देख सकते हो। ये महज जो कि 2 साल के करीब इसने बच्चा दे दिया था सुंदरी नाम की गौ माता ने, और 8 लीटर दूध एक छोटे से अडर में 8 लीटर दूध आप देख सकते हो, और ये काफ से अनुमान लगा सकते हो कि 8 लीटर दूध वाक्य में ही इस गौ माता का 8 लीटर में दूध है। तो आइए इधर आइए थोड़ा सा बच्चे के पास। तो जो और जो ब्रीडिंग करते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हो, इस तरह के काफ तैयार करने चाहिए तो क्या कुछ है? सेवा करो जी बढ़िया, अच्छा दूध पिलाओ। इधर आइए थोड़ा सा इसके पास बिल्कुल। हाँ सिस्टम जो भी है इसका देखभाल बहुत जरूरी है जी। ठीक ठीक है जी, कभी बीमार भी हुआ है या? हाँ बीमार हो गया था जी, डॉक्टर ने दवाई पानी दुआया है ना। ठीक ठीक है जी, दोबारा फिर ठीक हो गया है, सही है। ठीक है जी, अब फिलहाल इसका कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक ठीक है जी, ठीक है। तो अब तक भी ये दूध पाई है, मानो चारा चूरा तो कुछ ही नहीं खाता अब तक, रोटी पानी भी कुछ नहीं लेता ये। ठीक ठीक है जी, ठीक है, सारा दूध दूध मांगा ये। ठीक ठीक है जी, कितनी देर खुला छोड़ते हो इसको? घंटा एक दिन में छोड़ देते हैं, दिन में घंटा 2 घंटा कर ले बस। ठीक ठीक है जी, ये तो गौ खतर छोड़ रखे अभी, गौ भाजा को नहीं खतर। ठीक ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। और बढ़िया अपन आप भी ये टुंटी खोल के पानी पी सके हैं, कोई ऐसी कोई बात को नहीं। ठीक है जी, ठीक है, नहीं रहने वाला भूखा नहीं रहने वाला, अपना आप खुला सकते हैं। ठीक ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा जी, अपने आप खुला लेता है, आप खुला ले पानी भी पी ये अपना आप टुंटी खुला दे। ठीक है जी, हाँ। तो अपने आप कैसे खुलाता है? मुँह से खुला लेता है जी, भूखा हो जल्दी। अच्छा जी, अच्छा मुँह से अपने आप खुला लेता है। ठीक ठीक है जी, टुंटी चला के अपने आप पानी पी ले। ठीक ठीक है जी, बाकी बच्चा की तरह रखना पड़े जी, नुहाना धुआना इसकी देखभाल। ठीक है जी, हाँ जी।
दो दिन में जरूरी नुवाना पड़े ने बच्चा की डाल नावे भी है जी। ठीक ठीक है जी। हाँ जी बच्चा की डाल ही रखना पड़े ने बाहर है भीतर है छाया धूप इसकी देखभाल पूरी। ठीक ठीक है जी। हाँ जी ऐसे तो ये तैयार नहीं हो रहा जी बच्चा खा रखे। ठीक ठीक है जी। ठीक है हाँ वो तो दिख रहा है जी बॉडी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कुकुंद आप देख सकते हो कलर पैटर्न चेहरे मोरे की बनावट कानों की बनावट जो हरियाणा में करेक्टर होने चाहिए हरियाणा ब्रीड में वो बेहतरीन करेक्टर इस जो काफ में देखने को यहाँ पर मिलते हैं बेहतरीन ब्रीडिंग यहाँ पर की गई है बाबा जी ने। तो इसके पास आके कैसा लगता आपको? बहुत सुंदर लगा जी ये। अच्छा जी शांति मिलती है? शांति मिले जी बहुत सुंदर है और देखने के यहाँ शांत हो जी। ठीक ठीक है जी। शौक से पड़े है अपने कोई मॉल पीछे खतर नहीं पाल रखे है। ठीक ठीक है जी। जी शौक खतर पाल रखे। तो सेल करने का कोई विचार है या नहीं? अब भी कोई सेल करने का कोई विचार नहीं है। ठीक ठीक है जी। ठीक है जी। तो और क्या महसूस होता है आपको इसके पास आने से? बहुत बढ़िया जी बच्चे की तरह बहुत सुंदर लगता है। पैसे कोई जरूरी को नहीं भाई लाखों रुपये इसके कोई जरूरी को लाख रुपये जेब में तो आपने कोई शांति नहीं है आपने खतरा है। ठीक है जी। मारने का खतरा है। ठीक है जी। और इसके पास आओगे तो पूरी शांति मिलेगी इसके साथ बच्चे की तरह खेलोगे तो आपको बहुत शांत होगी। हाँ जी मन शांत होगा। शांत हो जाएगा और तमाम तरह के रोग भी दूर होंगे। रोग भी दूर जो ऑक्सीजन छोड़ती है गौ माता और जो नंदी ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो बहुत लाड प्यार करता है आपसे। हाँ जी आवाज के साथ आवे भी है जी। ठीक ठीक है जी। तो नाम और बताएं नामकरण क्या किया है इसका? नामकरण जी बुद्धनाथ है ये नाथ का डेरा बंद रहा जी नाथ है नाम धराम पे। अच्छा जी अच्छा बुद्धनाथ जी। बुद्धनाथ है जी। तो बुद्धनाथ को इधर देख सकते हो। ये बाबा जी आगे डेरा में है गुरु महाराज के जी जी डेरा में जी नाथ तो नाथ का नाम धरे है। हाँ जी हाँ जी नाथ की जो परंपरा है उधर नाथ की ही परंपरा पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है जी। ठीक है ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक ठीक है जी। अभी देना नहीं है। ठीक ठीक है जी। क्या कुछ विचार है फिर गांव में छोड़ने का विचार है या? हाँ जी गांव में छोड़ने का विचार है। अगर कोई भाई प्रेमी कोई जी ले जाना चाहे अगर पांड छोड़ना चाहे तो दे जाएंगे। ठीक ठीक है जी। ठीक है बैल बनाने के लिए कौन दे जी। ठीक ठीक है जी। ठीक है ब्रीडिंग के लिए गांव के सुधार नस्ल सुधार के लिए आप दे सकते हो। हाँ दे सकते हैं। ठीक ठीक है जी। ठीक है और गोपालकों को क्या संदेश देना चाहते हो? गोपाल रखो जी बढ़िया उसके दूध खाना पीना अच्छा बहुत बढ़िया है जी दर्शन हो तो मालिक भी प्रसन्न हो। ठीक है जी। हाँ जी या भी एक भक्ति है दया नाम भक्ति है जी। ठीक ठीक है जी। ठीक है हर जीव को पर दया है तो भक्ति है अगर दया नहीं है तो कितना तप कर लो। ठीक है जी। भक्ति नहीं है। ठीक ठीक है जी। हर जीव के साथ प्रेम करना उसी का नाम भक्ति है। ठीक है जी बहुत बढ़िया विचार जी यहाँ पर बहुत बढ़िया विचार देखने को मिलते हैं। तो ये गौ माता कहाँ से ली थी आपने? ये गौ माता जी गाँव में एक दीपक भाई है जयविशी वाला। ठीक है जी। ठीक है उससे ली थी जी हमने। अच्छा जी यही के थी उसने गई थी हमने। अच्छा जी बोले बाबू जी आपने एक बच्ची दे। ठीक है जी इसने पाल लियो आप। ठीक ठीक है जी। मेरा गौ रखने का शुरू से ही शौक है। ठीक है जी। ठीक है मैं रखता हूँ एक या दो। ठीक ठीक है जी। अच्छा चारा पीरा उनका मैं करता हूँ। ठीक ठीक है जी। हाँ जी ठीक है जी। गौ का दूध से ही सिस्टम मेरा जो चाय पानी है जो रोटी खाना पीना मैं गौ का दूध से ही करता हूँ। ठीक है जी। तो मैं इसके दूध में और गौ माता के दूध में क्या कुछ फर्क नजर आता है? गौ माता का दूध बहुत बढ़िया पवित्र है जी पवित्र माना गया है माता माने गई है माता का दूध तो वैसे ही बहुत पवित्र हो है। एक तो जन्नी माता है गौ माता है जी जी जी। जन्नी माता का दूध पी के तो इतने बड़े हो गए गौ माता का दूध पीने से शेर का रूप बताया जी गौ का। जी जी अगर दूध पियोगे तो आप भी शेर बनने चाहोगे। जी जी जी। हाँ जी जी। अगर गऊ ब्याई है जो उसका अपन नजदीक लगाएंगे तो वे शेर की तरह खड़ी हो जाएगी। बच्चे के प्रति ममता दिखाती है गौ माता। ममता दिखाती है जी बच्चे के प्रति। तो कहीं ना कहीं दूध में भी ममता होती है गौ माता में भी ममता है अपने धने को बहुत शौक से दूध पिलाती है। जी 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 बहुत बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। और हमारा जो सिस्टम है लस्सी दूध है दही है हमारा जो पूजा पाठ है तो हम इसका घी से ही करते हैं मोहन। जी जी बहुत बढ़िया जी देवता भी प्रसन्न होते हैं। देवता भी प्रसन्न होते हैं जी गौ माता के दूध से।
हवन यज्ञ है, ये भी बहुत शुद्ध होता है गऊ का घी से करो तो। जी जी जी, एक चम्मच गाय के घी से हजारों टन ऑक्सीजन पैदा हो सकती है। हाँ, अगर वैज्ञानिक तौर पर बात की जाए तो हजारों टन ऑक्सीजन एक चम्मच अगर हम जलाते हैं गऊ माता का घी, तो हजारों टन ऑक्सीजन पैदा हो सकती है। ठीक ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो इस सब जानकारी के लिए बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल।